वेलकम बैक टू क्रिएटिव एंड का यूट्यूब चैनल। तो आज थोड़ी सी मतलब मेरी आज तबीयत ठीक है। उस दिन मैं पता नहीं क्यों सिर दर्द हो रहा था, आज ठीक है। सिर दर्द भी तबीयत ऐसी वाला बाल धो रहे तो आज ठंडे ठंडे बाल हैं। तो आज मैं अपना नाइट रूटीन दिखाऊंगी, आज रात के खाने में क्या बन रहा है रेसिपी दिखाऊंगी। अभी मैं पता है क्या कही थी, आप दिखाओ। ये देखो कंप्यूटर पे थी मैं, अपना काम खड़ी थी, काम काम होते हैं। अब चलो किचन में मम्मी क्या बना रही देखते हैं। तो ये देखो आना पिज्जा सॉस बना रही है, राइट मामा? हाँ। तो ये देखो मम्मी अब तक क्या क्या किया है। मम्मा ने पहले तो इसमें वो ऑलिव ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल डाल के वो गार्लिक जिसको हिंदी में लहसुन बोलते हैं वो डाल दिया है, और प्याज इन सबको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ा सा जिंजर डाल दिया है, अदरक। अदरक आजकल फ्रेंड्स मैं भी है ना बहुत तरीके की चाय बना रही हूँ, आपको भी एक दिन बताऊंगी किस प्रकार की चाय बनाते हैं, बहुत मस्त बनती है। आज बनाई थी तो बहुत अच्छी नहीं बनी। और अब इसके बाद इसमें टमाटर टमाटर डालने हैं, और टमाटर जो होते हैं जो एक तो देसी आता है टमाटर, और एक होता है वैसा वाला जो सैलड वगैरह में होता है। तो सैलड वगैरह में जो होता है उसको मैं छिलका निकाल लेती हूँ, इससे जो छीलने वाला होता है ना उससे बहुत इजीली निकल जाता है, ये छीलने वाला जो होता है इससे इजीली निकल जाता है। और अगर देसी टमाटर है तो आपको इसमें डालने के बाद जब वो थोड़ा सा बन जाता है तो आपको छिलका निकालना पड़ता है, बट इसको मैंने छिलका निकाल दिया है। अब मैं इसको इसमें डालूँगी और नमक डाल दूँगी, और क्योंकि ये टमाटर आजकल रेड नहीं आ रहे तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को जो कश्मीरी मिर्च होती है वो भी डालनी पड़ेगी कलरिंग के लिए। तो मैंने ये देखिए ये मैंने टमाटर डाल दिया है, ये रहे। ये बच्चा है कश्मीरी मिर्च, मेरी माँ की कश्मीरी मिर्च। ये MDH की यूज हम नहीं करते, हम इस ब्रांड की यूज करते हैं, जैसे आप भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। ये तो सभी बहुत कॉमन है बेटा कश्मीरी मिर्च आपको। हाँ मम्मी अलग अलग प्रकार भी तो कश्मीरी मिर्च होती है ना, MDH की आती है और कैच की आती है। ये हमें ऑफर में मिल गई थी शाशा की, तो हमने ले ली थी इसको शाशा का कश्मीरी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैं रेड चिली डालूंगी, रेड चिली डाल रही हूँ, थोड़ा मतलब वैसा स्पाइसी भी होना चाहिए, और प्लस इसमें मैं कश्मीरी मिर्च भी डाल रही हूँ, दिस इज़ फॉर कलरिंग, क्योंकि आजकल टमाटर जो है वो बहुत रेड टेम्पिंग कलर नहीं आता है। और इसमें मेरे को नमक भी डालना पड़ेगा जिससे ये टमाटर जल्दी से गल जाए। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दीजिए, और थोड़ा सा बहुत ही माइनट हल्दी डाल दीजिए। हल्दी करूँ, अब इसको हम ढक देंगे, कवर कर देंगे, सो दैट ये सारी चीज़ें गल जाए। जब टमाटर गल जाता है तो दिख ही जाता है, अगर आपने छिलके नहीं उतारे हैं तो जब ये गल जाएगा तो उसमें से इजीली छिलके भी निकल जाते हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में जब ये थोड़ा सा टमाटर गल जाएगा, तो मिलते हैं 5 मिनट्स बाद। तो 5 मिनट्स तक हमें इसे क्लुक करना। मम्मी आपने मीडियम फ्लेम कर रखी है, मीडियम मीडियम। तो ये देखिए मम्मी ने मीडियम फ्लेम कर रखी है, हमारा ऐसा लोगों का जैसा हो तो आप ऐसे अपने मीडियम फ्लेम में कर। ये देखो मम्मी क्या कर चुकी हो, मैं एक तो बोल ही नहीं पाऊंगी। ये बॉयल हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा केचप डालना है। तो ये देखो किसान का केचप डालती है मम्मी। केचप डालना है, केचप से थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आ जाता है, और प्लस इसमें ओरिगेनो। यार ये हमारी ओरिगेनो, ये ओरिगेनो। ये देखिए फ्रेंड्स ये ओरिगेनो डाल दिया मैंने, अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए देखिए। आप टमाटर जो है वो बिल्कुल वैसे हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं,
और ये गार्लिक को भी देखो, अगर आप चम्मच से वो करो, क्रश करो तो ये आराम से हो जाएगा। तो चाहो तो आप इसको ऐसे ही मैश कर दो, लेकिन मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी सो दैट इसका पेस्ट बन जाए। अगर आप ग्राइंड ना करो मतलब जो अगर लाइट ना हो ऐसे ही वो कर दो, जो जिसे हम वो करते हैं ना पाव भाजी क्रशर, वो क्या बोलते हैं उसको, वो दिखा देती हूँ। चल दिखाई दे, ये देखिए ये जो है इससे भी आप पुश करके कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर का छिलका निकला हुआ है तो इसलिए आराम से इससे भी हो जाएगा। ये फ्रेंड में हमको कितने मिला था पता है? चलो हमको नहीं पता क्योंकि हम तो भी है फूक देते हैं देख के। ये देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं पीस के रख लूँगी। बेसिकली ये बना रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी पिज्ज़ा बनाना है, पिज्ज़ा बेस है हमारे पास। हम लाते हैं लॉर्ड से फ्रेंड्स, लॉर्ड्स होलसेल मार्केट मतलब वो लॉर्ड्स में सर फ्रेश बेकरी है, तो वहाँ पे ये जब भी हम जाते हैं वो लॉर्ड्स होलसेल मार्केट है, जिसका जीएसटी कटता है या फिर जिसके बिजनेस वगैरह है उनके लिए ये लॉर्ड्स है जो कि होलसेल मार्केट। ये आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डाल दूँगी, आप इससे देख मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसके बारे में, आप इसे देख के आप कर सकते हैं यूज़। और ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें एक में चाय मिलते हैं और ये बटर पेपर भी होता है ना। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, अब मैं थोड़ी सी सब्ज़ी इसके बाद थोड़ी सी सब्ज़ी पिज्ज़ा के लिए सॉटे करूंगी, जिसमें मैं वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्वीट कॉर्न प्लस अनियन को हल्का सा सॉटे करूंगी, नहीं टमाटर नहीं, हल्का सा सॉटे करूंगी, फिर दिखाऊंगी आपको पिज्ज़ा मैं घर में कैसे बनाती हूँ। तो मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। देखो मैंने ये प्लेट, मम्मी ने प्लेट में निकाल के इसे ठंडाने के लिए रख दिए। अब मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स करेंगे, लेके प्याज ले आई है मम्मी, तो देख सकते हैं 3 प्याज। अब मैं इसे सॉटे करी, मैं थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ कैसे है। हाँ टेस्ट फ्रेंड्स, टू टेस्ट से मैं वापस लगा देती हूँ, वापस टेस्ट करती हूँ। बहुत टेस्टी फ्रेंड्स, मीठी इन अ बिट फ्रेंड्स। मैं भूल गई थी कॉर्न दिखाना, तो ये देखो कॉर्न भी है और मम्मी प्याज काट रही है। स्टार्ट करिए सॉटिंग करना, सॉटिंग ही करोगी ना? सॉटे, हाँ ये सॉटे। मम्मी ने वही सेम कढ़ाई ले ली और उसे पोछ पाछ ली है, तभी गैस बंद है तो मैं पकड़ सकती हूँ। तो ये देखिए इसमें मम्मी ने थोड़ा सा पानी लिया, मैं ना फिर बहुत बुद्धू हूँ, अभी पानी है मैं ना ऑयल समझ बैठी से, तो अभी मम्मी ऑयल डालेगी क्योंकि अभी मम्मी ने धुला था, तो इसलिए आपको भी ऑयल ही लगता मैं जैसे धोखा। सो 1 टमाटो प्याज चॉप्ड, तो अभी कौन निकालेंगे, कौन इधर लाओ, धोना नहीं है। हाँ हाँ टमाटर को ना, तो टमाटर खोलो मम्मी, अभी दिखाना नहीं है, रुक जाओ। तो फ्रेंड्स ये देखो मैंने मम्मी ने ऑलिव ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, ये बड़ी कढ़ाई में, गैस ऑन कर दिए सिम पे। अब मम्मी टमाटर प्याज डालती, तो फ्रेंड्स ये देखो मम्मी ने प्याज कॉर्न टमाटर डाल दिए, बस इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको सोटे करना है। हल्का सा, ज्यादा मत डाल देना फ्रेंड्स, नहीं तो खराब हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास आज अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने शिमला मिर्च नहीं डाली है। देखिए हल्का सा नमक डाल दिए, नहीं कम ही रखना है क्योंकि ये देखिए ये पिज्ज़ा सॉस को मैंने पीस लिया है, लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब मैं इसको रख लूँगी, आप इसको ब्रेड में भी लगा के खा सकते हो, ब्रेड में भी लगा के खा सकते हो, लेके भाग ही जाएंगे मारा।
देखो फ्राइज वाली मम्मी ने नाम रख दिया मेरा भाग्य महारानी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हल्का सा ढक दो जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ढक दिया हमने फ्रेंड। अब ये देखिए ये कितना, ये इसमें आप चाहे तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। और मैं इसको अब किसी कांच के बाउल में रख के उसको, उसका मतलब मेरा कवर्ड है वो, तो उसमें करके प्रिजर्व कर लूँगी इसको फ्रिज में। फ्रेंड इतना टेस्टी है ना कि मैं खा जाऊंगी सारे। फ्रेंड ये देखो ये हम, ये है बाउल कांच का, इसके ऊपर ढक्कन है, तो इसमें मैं फ्रिज में रख के इसको प्रिजर्व कर दूंगी फ्रिज में, कि आप ब्रेड वगैरह के साथ भी बच्चे खा सकते हैं।